अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो दोस्तों और दोस्ती की अहमियत के बारे में है कि जब इंसान पर कोई बुरा वक्त आता है तो उसके दोस्त ही उसकी मदद करते हैं। इसलिए हमें दोस्तों को अपनी रूटीन में से पूरा टाइम देना चाहिए। ये कहानी भी एक ऐसी गुलहरी की है कि जो अपने दोस्तों को बिल्कुल वक्त नहीं देती थी और हर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहती, और उसके दोस्त जो कि खरगोश, चुईया, हुदहुद और दोस्त थे, उनको बिल्कुल टाइम न देती। लेकिन जब उसके ऊपर बुरा वक्त आया तो इन्हीं दोस्तों ने उसकी मदद की। तो हम ये कहानी सुनते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से उसके दोस्तों ने उसकी मदद की। तो प्यारे बच्चों, ख़िज़ा का मौसम शुरू हो चुका था और सिम्मी गुलहरी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, क्योंकि दरख्तों से सब्ज़ पत्ते पीले और भूरे होकर तेज़ी से गिरना शुरू हो गए थे और जंगल के फर्श पर उनका ढेर लगा था। सिम्मी सोच रही थी कि उसे जल्दी करनी चाहिए और सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले पहले अपने लिए खाना महफूज कर लेना चाहिए। इसलिए सिम्मी हर वक्त तेज़ी से दरख्तों पर गले या गिरे हुए सूखे फल और बीज इकट्ठे करने में मसरूफ़ रहती और उन्हें अपने दरख्त के नीचे ज़मीन खोदकर दबाती रहती। सारा दिन सिम्मी खूब शोर मचाते हुए दरख्तों और झाड़ियों में और कभी ज़मीन पर तेज़ी से आगे पीछे ऊपर नीचे हरकत करती रहती और अपना खाना तलाश करती रहती। वो इतनी मसरूफ़ थी कि उसके पास अपने दोस्तों से मिलने के लिए भी वक्त नहीं था। अस्सलाम वालेकुम सिम्मी, तुम कैसी हो? मिल्ली चुईया ने उसे सुबह सुबह आकर कहा। मैं आजकल सर्दियों के लिए अपना नरम और गरम बिस्तर बना रही हूँ, सिम्मी लापरवाही से बोली। अच्छा, मगर असल में वो तवज्जो से मिली की बात सुन ही नहीं रही थी। मिली बोली, ये एक बड़ा ही आरामदेह नरम और गरम बिस्तर है। मेरा ख्याल है कि इससे पहले मैंने कभी इतना अच्छा बिस्तर नहीं बनाया। सिम्मी, क्या तुम इसे देखना पसंद करोगी? मेरे पास फुर्सत नहीं है, मैं जल्दी में हूँ, सिम्मी ने बेरुखी से कहा और तेजी से दरख्त पर चढ़ गई। ओहो, मिली ने मायूसी से कहा और चली गई। दोपहर के वक्त सिम्मी का दोस्त हुदहुद सिम्मी के दरख्त की शाख पर आकर बैठ गया और तने पर तेजी से चोंच मारने लगा ताकि सिम्मी को पता चल जाए कि वो यहाँ है। सिम्मी घर से बाहर निकली तो वो इंतहाई खुशी से बोला, तुम जानती हो सिम्मी कि मैंने जंगल के दरख्तों के तनों में सुराख बना दिया है और आज मैंने इतना बड़ा और बेहतरीन सुराख बनाया है कि तुम देखती रह जाओगी, तो क्या तुम मेरे साथ चलकर इसे देखना पसंद करोगी? सिम्मी ने नागवारी से कहा। बिल्कुल नहीं, मुझे फुर्सत नहीं है, मैं जल्दी में हूँ। ओहो, हुदहुद ने भी मायूसी से कहा और उड़ गया। अगले दिन सिम्मी का एक और दोस्त रॉबिन खरगोश उसे मिलने आया। उसने मुस्कुराते हुए सिम्मी से कहा, मेरी दोस्त, तुम जानती हो मैं जमीन में हमेशा से सुराख बना देता हूँ, मगर इस दफा तो मैंने इतना कमाल किया है और इतनी तेजी से जमीन में सुराख बनाया है कि जंगल में कोई जानवर मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ आओ और मुझे काम करते हुए देखो, मुझे फुर्सत नहीं है, मैं जल्दी में हूँ, सिम्मी गुलहरी चीख कर बोली। ओहो, चीखो तो मत, रॉबिन खरगोश ने आ भरी और उछलता हुआ चला गया। सिम्मी गुलहरी गुस्से से बोली, किसी को नजर क्यों नहीं आता कि मैं कितनी मसरूफ हूँ, मेरे पास किसी के लिए भी वक्त नहीं है। ये कहकर वो फिर से तेजी से अपने काम में मसरूफ हो गई। सुबह से शाम तक सिम्मी गुलहरी दरख्तों से फल इकट्ठे करती रहती और उन्हें जमीन में दफन करती रहती, और जब अंधेरा हो जाता तो वो अपने दरख्त में बनाए हुए सुराख में घुसकर अपनी नरम नरम दुम
अपने गिर्द लपेट कर मजे से सो जाती। खुदा का करना क्या हुआ कि एक दिन जंगल में शाम ही से तेज हवाएं चलने लगी और आहिस्ता आहिस्ता आंधी की शक्ल इख्तियार कर गई। दरख्तों की शाखें टूट टूट कर गिरने लगी। सिम्मी अपने घर में बैठी सख्त खौफ ज़दा थी। आंधी ने तूफान की शक्ल ले ली और अचानक सिम्मी को महसूस हुआ कि दरख्त जिसमें सिम्मी का घर था नीचे की तरफ गिर रहा है और फिर धड़ाम की आवाज़ आई और दरख्त सिम्मी समेत ज़मीन पर आ रहा। जब तूफान थमा तो सिम्मी ने सर सुराख से बाहर निकाल कर देखा। इसके सर पर सख्त चोट आई हुई थी और इसका सारा घर भी खराब हो चुका था। मदद, मदद! सिम्मी चीख चीख कर पुकारने लगी। मिली चुहिया वहां से गुजर रही थी। वो सिम्मी की आवाज सुनकर तेजी से आई और पूछा, क्या हुआ? मिली ने हाथ पकड़कर सिम्मी को बाहर निकाला। सिम्मी बहुत ज्यादा परेशान थी। मिली ने कहा, अरे दोस्त, परेशान क्यों होती हो? मेरे साथ आओ, मेरे साथ मेरा नरम नरम और गरम बिस्तर इस्तेमाल कर सकती हो। मेरा घर वहाँ झाड़ी के नीचे ज़मीन में है, वहाँ हवा के तूफान का कोई ख़तरा नहीं है। मेरे साथ चलो, आओ आओ, यहाँ बहुत जगह है। इंशाल्लाह हम सुबह तुम्हारे मसले का हल भी निकाल लेंगे। शुक्रिया, सिम्मी ने कहा और मिली चुहिया के पीछे पीछे चलने लग गई। अगली सुबह सिम्मी और मिली नुकसान का अंदाजा करने के लिए बाहर निकली। सिम्मी रोते हुए बोली, ओहो, कितना खूबसूरत दरख्त था मेरा और मेरा घर भी नहीं रहा। मैं दोबारा इतना खूबसूरत घर कैसे बना सकती हूँ? परेशान मत हो मेरी दोस्त, ये हुदहुद की आवाज थी। मैंने तुम्हें बताया था ना कि घर में मैंने एक दरख्त के तने में एक बहुत बड़ा सुराख किया है। मेरे ख्याल में वो तुम्हारे घर के लिए बेहतरीन होगा। आओ आओ, देखो तो सही। बहुत शुक्रिया, सिम्मी ने कहा और हुदहुद के पीछे चलने लग गई। जब सिम्मी ने दरख्त के सुराख को अंदर और बाहर से खूब अच्छी तरह देख लिया तो बोली, हुदहुद मेरे दोस्त, तुम ठीक कहते थे, ये तो मेरे पहले घर से भी ज्यादा बड़ा और आरामदेह है। शुक्रिया मेरे दोस्त, लेकिन मैं अपने सारे जमा किए हुए फल और बीज यहाँ कैसे ला सकती हूँ? मैंने कई दिन लगाकर उन्हें जमा किया था और जमीन में दबा दिया था। मेरी सारी मेहनत जाया हो गई है क्योंकि मेरा दरख्त उन पर गिर गया है। कोई मसला नहीं, ये आवाज रॉबिन खरगोश की थी। मैं दरख्त के नीचे जमीन खोद सकता हूँ और हम सब मिलकर तुम्हारे सारे नट्स यहाँ ले आएंगे और मैं जमीन में एक नया स्टोर बनाने में तुम्हारी मदद करूँगा। जब सारा काम जल्दी जल्दी मुकम्मल हो गया तो सिम्मी ने अपने दोस्तों से कहा कि वो सब चाय पीने के लिए उसके घर आए क्योंकि वो उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। मिली, रॉबिन और हुदहुद ये सुनकर इकट्ठे बोले, हमें अफसोस है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम जल्दी में हैं। सिम्मी इंतहाई शर्मिंदगी से बोली, मैं जानती हूँ मैं गलती पर थी, मैं चाहे जितनी भी मसरूफ थी मुझे दोस्तों के लिए वक्त जरूर निकालना चाहिए था। अचानक तीनों दोस्तों ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। ओ सिम्मी, परेशान मत हो, हम जल्दी में नहीं हैं और दोस्तों के लिए हमारे पास बहुत वक्त है।